नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। एक पुजारी अपने से 17 साल बड़ी महिला से इश्क कर बैठता है। प्रेमिका को पाने के लिए वो कत्ल की साजिश रचता है, जिस कत्ल के लिए सुपारी भी दी गई। आखिर पुजारी का ये खूनी इश्क है क्या? किसके कत्ल की सुपारी दी गई थी? रिपोर्ट देखिए। अजब इश्क की खूनी कहानी। 17 साल बड़ी महबूबा, वो उसके इश्क में हुआ दीवाना। महबूबा को हासिल करने का प्लान प्रेमी ने किए सुपारी किलर हायर। मोहब्बत में पुजारी का खूनी खेल। ये लव स्टोरी जरा हटकर है। कहते हैं इश्क में उम्र का कैसा बंधन, हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस लव स्टोरी में पुजारी विवेक दुबे एक ऐसी महिला को दिल दे बैठा जो उससे उम्र में 17 साल बड़ी थी। 22 साल का प्रेमी और प्रेमिका 39 साल की। लेकिन इस लव स्टोरी में एक और ट्विस्ट है। विवेक जिस महिला से दिल लगा बैठा था वो पहले से शादीशुदा थी। जबलपुर के बरगी थाना इलाके में महबूबा को पाने के लिए प्रेमी की ये खूनी साजिश है। निगरी गांव, जिस गांव में मुकेश नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी, धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। वीरों से इसके बारे में जब पूरी विवेचना के दौरान जब सूत्रों से इसका पता रसी किया तो ये ज्ञात हुआ कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। जब विवेक दुबे को ट्रेस किया गया तो विवेक दुबे ने अपने अन्य दो साथी सतीश मयंक त्रिपाठी और संजय चौधरी के साथ इस घटना को करना उन्होंने स्वीकार किया। घटना में जो इनने चाकू का उपयोग किया था और अन्य जो चीजें वो जब्त कर ली गई हैं। पुलिस के लिए ये केस ब्लाइंड था, लेकिन तफ्तीश में सबसे पहला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज। तीन लड़के सीसीटीवी फुटेज में नजर आए। तीनों ने मिलकर मुकेश की हत्या की साजिश रची थी, सोते वक्त उसे मौत की नींद सुला दिया। सीधी सी बात है, जब प्रेम संबंध है तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो लड़की किसी और की ना हो, और उसके मन में, विवेक दुबे के मन में यही बात थी और इसी के कारण उसने मुकेश झौरिया को मौत के घाट उतारा था। मुकेश के कत्ल के लिए बाकायदा सुपारी किलर हायर किए गए। 1.5 लाख में मौत का सौदा हुआ। सौदा किसी और ने नहीं बल्कि पुजारी विवेक ने किया था। दरअसल मुकेश विवेक की महबूबा का पति था। मुकेश की पत्नी मायके में रह रही थी। मुकेश ने जिद पकड़ ली थी वो भी बीवी के साथ ससुराल में रहेगा। ये बात विवेक को नागवार गुजरी, जिसने प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। विवेक का प्रेम प्रसंग मुकेश मृतक की पत्नी से था, तो जब इसके मुकेश को इस बात का पता चला होगा तो आपस में इसने अपने पत्नी को डांटा डपटा होगा, जो भी इनके बीच अंदरूनी बातचीत हुई होगी। और ये बात जब विवेक को पता चली होगी तो फिर विवेक ने सोचा होगा कि किसी भी तरह से वो मुकेश झारिया को रास्ते से हटाए, और तब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 17 साल बड़ी मोहब्बत और पुजारी के खूनी खेल का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल के इस खूनी स्क्रिप्ट में प्रेमी और प्रेमिका दोनों शामिल हैं। प्रेमी कत्ल की साजिश रचता है, जिसकी हत्या करनी थी उसे पार्टी में बुलाया जाता है, फिर उसे शराब में नींद की गोली दी जाती है, उसके बाद बेहोशी का इंजेक्शन, फिर बैग में मिलती है शौहर की लाश। देखिए, ट्रॉली बैग में सुहाग, शराब में नींद की गोली मिलाई, फिर लगाया इंजेक्शन, गला दबा कर मार डाला। मुरैना में पत्नी ने लिखी खूनी स्क्रिप्ट। एक कत्ल कितने कातिल, नजायज इश्क, प्रेमी बोले वो सिर्फ मेरी है। जिनके चेहरे बंधे हुए हैं, इन चेहरों में एक ऐसा चेहरा है जिसके दिल में एक ही ख्वाब था, कैसे वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले। प्रेमिका को हासिल करने का रास्ता किसी के कत्ल से होकर गुजरता था। कत्ल की इस कहानी का खुलासा करने से पहले उस प्लॉट को देखिए जहां ट्रॉली बैग में एक लाश मिली थी। लाश पूरी तरह सड़ी गली थी। मुरैना के नूराबाद थाना इलाके के खिरावली डैम के पास लाश पूरी तरह से गल चुकी थी।
लाश की पहचान करना आसान नहीं था। इस बीच नूराबाद में दर्ज एक गुमशुदगी से लाश की पहचान हुई। ये लाश थी मनोज की। जैसे ही उसको देखा तो बॉडी बहुत सड़ी गली अवस्था में थी और यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाना उसको संभव नहीं था, इसलिए जेएच में ग्वालियर जेएच में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो इन्होंने डिटेल में बताया कि इन्होंने 23 जुलाई 2024 को बनखंडी रोड स्थित अपने कोचिंग पर संस्थान पर इसको बुलाया मृतक को, और उसको फिर जो है शराब लाने के बहाने नींद की गोली और इंजेक्शन लगा करके उसको बेहोश कर दिया गया और बाद में जो है उसकी हत्या करके। मनोज की हत्या का प्लान इन आरोपियों ने जिस तरह से बनाया था वो भी कम हैरान करने वाला नहीं। मनोज को मौत के घाट उतारने से पहले शराब की पार्टी दी गई, शराब में नींद की गोली मिलाई गई, उसके बाद मनोज बेसुध हो जाए तो उसे इंजेक्शन लगाया गया और फिर गला घोंटकर हत्या की गई। पूरी कहानी में दो मास्टरमाइंड हैं, एक मनोज की पत्नी और पत्नी का प्रेमी। चूंकि इसके कुछ दिन पूर्व ही थाना नूराबाद में एक गुमनसान कायम हुआ था 11/24, उस गुमनसान के संबंध में भी उनके परिजनों के द्वारा ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि इसकी हत्या हो सकती है। पुलिस ने जब उनका लिंक निकाला और उसको जो है उनके परिजनों और तमाम लोगों से उसको तस्दीक कराया तो ये लगभग पुलिस को क्लियर हो गया कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये उस गुमनसान की हो सकती है। उसी बेस पे पुलिस ने तमाम एंगल पे काम किया। खेरावली डैम में ट्रॉली में सुहाग मिला था, पत्नी को पता था उसके पति की हत्या प्रेमी आशुतोष करने वाला है। सुहाग के कत्ल की साजिश में पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से बेवफाई की कहानी सामने आई। ये निकल के आया कि जो मृतक है उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे किसी व्यक्ति से, और उस व्यक्ति जिससे उसके अवैध संबंध थे उनके और अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर उनके द्वारा ये इस व्यक्ति की हत्या कर दी। इसमें मूल रूप से अभी पुलिस के द्वारा प्रकरण के 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सुहाग के कत्ल की ये कहानी दिल दहला देती है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लुटेरी दुल्हन के कई किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन इस 4 दिन की दुल्हन की कहानी सबसे अलग है। जब फरियादी को पता चला कि उसके दुल्हन ने धोखे में धोखा किया, देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। शाजिया बनी सपना। लूट के लिए उसने बदली पहचान, शाजिया बनी सपना। 4 दिन की थी चांदनी, धोखे में धोखे का खेल, 7 फेरे में उलझा ये फेर, दुल्हन का इमोशनल अत्याचार, सहरे में सजने और फिर शादी का मातम। सुनकर यकीनन अजीब लगता है, लेकिन सीहोर के फरियादी विपिन के लिए शादी सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी। विपिन की शादी नहीं हो रही थी, दुल्हन की तलाश थी, फिर किस्मत से दुल्हन मिल ही गई, लेकिन ये दुल्हन चूना लगाने को बेकरार थी। सीहोर की भैरुंदा पुलिस उस गैंग की तलाश कर रही है जिसने विपिन पंडित का न सिर्फ दिल तोड़ा, एतबार को भी ठगा। बल्कि इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी है। इंदौर की सपना शर्मा से 26 अप्रैल को देवास के एक मंदिर में विपिन की शादी हुई। लुटेरी गैंग के संबंध में हालिया खेड़ी का एक फरियादी था विपिन पंडित, उसके द्वारा जो है अभी 4th महीने में उसकी शादी करवाई गई थी एक महिला से, सपना शर्मा नाम की महिला थी, उसकी शादी करवाई थी। राम सिंह पटेल उसका बाप था, राम सिंह, और तीसरा व्यक्ति जिसने शादी करवाई थी बिचौलिया उधम सिंह यदुवंश। एक दलाल इस शादी में था जिसने रिश्ता तय कराया, लेकिन हर एक किरदार फर्जी था। महज 4 दिन में सपना शर्मा पति विपिन को धोखा देकर फरार हो गई, जिसने बहाना बनाया पिता बीमार रहते हैं, हम बहुत गरीब हैं, ऐसा करके रुपए ऐंठती गई, दुल्हन सपना फरार हो गई। इधर बीवी की तलाश में विपिन दर दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होना बाकी था, वो खुलासा था जिसे सुनकर विपिन के होश उड़ गए। सपना दरअसल सपना नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी शाजिया। शादी करवाने के 4 दिन तक महिला वो जो उसकी पत्नी थी वो उसके साथ रही, उसके बाद वो
घर से गायब हो गई। इस संबंध में शिकायत की थी कि सर हमारी जो है शादी हो गई, शादी के बाद ये पत्नी जो है चली गई, फ़ोन भी नहीं उठाती है और ना बाप फ़ोन उठाता है, पैसे भी अलग मांग रहे हैं। उस संबंध में पुलिस ने जो है प्रथम दृष्टिया आवेदन पत्र की जांच की गई। आवेदन पत्र की जांच पर से पुलिस ने पाया कि उनके द्वारा जो है इनके साथ धोखाधड़ी पूर्वक शादी की है और इसके खुलासे के संबंध में फिर हम लोगों ने जो है जांच के पश्चात अपराध पंजीबद्ध किए 400/34 IPC के अंतर्गत। लुटेरी दुल्हन शाजिया ने नाम बदलकर सपना नाम रखा, जो पहले से शादीशुदा थी। सपना बहनकर शाजिया विपिन के जज्बात से खेलती रही। दरअसल ऐसी गैंग का एक ही मजहब है और वो है मनी मनी। इसमें जो सपना शर्मा थी वो शाजिया नाम है उसका, शाजिया हाशमी, वो सपना शर्मा बनकर उसने उससे शादी की थी। साथ ही राम सिंह जो है, राम सिंह पवार, वो इसका वो बना था, पिता बना था, जबकि वो अलग कास्ट का है, ये अलग कास्ट की है। उसके पश्चात जो उधम सिंह है उसने इन लोगों को जो है बिचौलिए का काम किया, इन लोगों को इससे मिलवाया, क्योंकि जो विपिन पंडित फरियादी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने जो है इसके माध्यम से, उधम के माध्यम से शादी करने का निर्णय लिया। अब इस गिरोह की कुंडली खंगाली जा रही है। शाजिया ने और कितनी पहचान बदलकर लोगों को ठगा और गिरोह के अब तक कितने शिकार हैं? सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खबर भोपाल से, जहां नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर पर छापा पड़ा है। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने मारा है छापा। लोकायुक्त की टीम स्मार्ट सिटी कार्यालय भी पहुंची और विदेश में निवेश की भी जानकारी मिली है। कुछ दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे पीके जैन और अब ये छापेमार कार्रवाई हुई है। खबर भोपाल से है, नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर छापा पड़ा है और संवाददाता रमाकांत दुबे जुड़ गया। रमाकांत, ये पूरा मामला बताइए, नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी के घर पर छापा पड़ा है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पीके जैन जो है नगर निगम के रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री से, यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद ये स्मार्ट सिटी कार्यालय में भी पदस्थ रहे, वहाँ संविदा पर इनको रखा गया था और लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमार की कार्यवाही की है। टीम इनके घर भी पहुंची है और स्मार्ट सिटी के ऑफिस भी, वहां भी कुछ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी ये भी मिली है कि अभी हाल ही में ये कनाडा से लौटे हैं और विदेश में भी इनका कुछ निवेश हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो विदेश में भी निवेश की आशंका जताई जा रही है, अभी कुछ दिन पहले ही ये वापस लौटे हैं। जानकारी मिली है कि पीके जैन अभी विदेश गए हुए थे और निगम के रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनके घर पर टीम पहुंची है। लोकायुक्त की पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। बारहवीं की होनहार छात्रा जिसका बर्थडे था, कोचिंग गई। कोचिंग में उसने सबको टॉफी बांटी, टीचर से कहा वो जिले में टॉप करना चाहती है, बेहद खुश थी। कोचिंग से स्कूल के लिए निकली लेकिन उसके बाद जो खबर आई उसने सबको हैरान कर दिया। छात्रा ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया। आखिर बर्थडे और सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। बर्थडे और सुसाइड, एक मिस्ट्री। जन्मदिन पर ये कैसा तोहफा? वो खुश थी, फिर क्यों किया सुसाइड? जन्मदिन पर उसने बांटी टॉफी। टॉप करने का था उसका सपना। जिंदगी का इम्तिहान, हार गई वो। जन्मदिन पर उसकी ऐसी आखिरी तस्वीर होगी, ये कहां किसने सोचा था। बारहवीं की छात्रा प्रिया बैरागी की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। प्रिया रोजाना की तरह अपने कोचिंग गई। सुबह 9 से 10 बजे तक क्लास लगती है। करीब 10 मिनट पहले स्कूल के लिए निकली लेकिन कोचिंग टीचर को जब ये खबर मिली कि प्रिया ने सुसाइड कर लिया है, तब वो भी हैरान रह गए। जैसा डेली रोज सुबह 9 से 10 आती है बच्ची, और मतलब जो नॉर्मल दिनों में आवागमन जो करती है वैसी करती थी। आज उसका जन्मदिन है और जन्मदिन स्वरूप उसने जो है हमको टॉफी देके हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया और उसने ये बोला कि सर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है जिले में टॉप करूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। बेहद खुश थी प्रिया जिसने अपने बर्थडे पर क्लास में सबको टॉफी बांटी। यही नहीं, उसने टीचर से विश भी ली कि वो पूरे जिले में अव्वल आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर क्यों प्रिया ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया?
था। सर कोई तनाव में दिख रही थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हसमुख और बहुत ही ब्रिलियंट। उसका 10th में 88%, 11th में 67% और बहुत ही हसमुख बच्ची थी। और जब यहाँ पढ़ रही थी उस समय भी वो एकदम खुश थी, ऐसा कोई लगा नहीं कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। कानीपुरा रोड स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी प्रिया। सुबह 10 बजे प्रिया का स्कूल था। 10 मिनट पहले वो कोचिंग से स्कूल के लिए निकली। रेलवे के ब्रिज से कूदते वक्त एक ऑटो ड्राइवर ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस वो सबसे पहली बेंच पे बैठी थी और उसके बाद बैठ के बैग रख के उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद ये टॉफी दी और टॉफी के बाद में जो है उसके बाद में वो अपनी फ्रेंड को भी टॉफी दी। और जैसी बैच कंप्लीट हुई, चूंकि स्कूल का समय हो जाता है 10 बजे, तो वो तुरंत वहाँ से निकल के चली गई। एक हसमुख लड़की, होनहार छात्रा, आखिर प्रिया की जिंदगी में कौन सी उथल पुथल चल रही थी? क्यों जन्मदिन पर ऐसे परिवार को छोड़कर चली गई प्रिया? सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है? उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये खबर हर पेरेंट्स के लिए जरूरी है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे नंबर से कॉल आए, यहां तक कि आपको आपके बच्चे की आवाज भी सुनाई दी जाए, उसके साथ ही पिटाई की आवाज आई और ये कहा जाए कि आपका बच्चा क्रिमिनल केस में फंस गया है, तो सावधान रहिए, ये कॉल ठग का हो सकता है। देखिए अलर्ट करती ये खास रिपोर्ट। हाईटेक जमाने में हाईटेक अपराधी का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने गया है तो ये अलर्ट करती खबर जरूर देखें। साइबर फ्रॉड की साजिश को ऐसे समझें, ऐसी गैंग अक्सर पेरेंट्स को टारगेट करती है। सबसे पहले व्हाट्सएप कॉल आता है +92 नंबर से। ये पाकिस्तान का नंबर है। जिस नंबर से कॉल आएगा उस पर किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगी होती है। ये फोटो सही भी हो सकती है, जिसे ठग चुरा कर लगा लेते हैं, या फिर फेक फोटो। कल सरगुजा क्षेत्र में लगातार इस तरीके के कॉल आ रहे हैं 92 नंबर से, जो पाकिस्तान का है। ऐसे पालकों के पास जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या वो कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए शहर में ही भी हैं या दूसरे जगह पे हैं, उन पालकों के पास फ़ोन आ रहा है। वर्दीधारी पुलिसकर्मी की DP लगा व्हाट्सएप का ऑडियो कॉल आता है। कॉल करने वाले नटवरलाल एक्टिंग में माहिर होते हैं, जो बार बार ये कहते हैं आपका बच्चा ड्रग केस में फंस गया है, या फिर रेप केस उस पर लगा है, या फिर कोई और चार्ज की कहानी ये ठग सुनाएंगे। कहानी पूरी फिल्मी होती है। बैकग्राउंड में अक्सर टॉर्चर करने की आवाज आती है, जिससे पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे की थाने में पिटाई हो रही है। ये सुनकर अक्सर शिकार होश खो बैठता है और ठगों की बातों में आ जाता है, जिसमें पीछे से बच्चे को टॉर्चर करने का भी आवाज़ आती रहती है। और साथ ही साथ पुलिसकर्मी इस बात का एहसास कराता है पालकों को, वाकई उनका बच्चा थाने में है और टॉर्चर हो रहा है। और वो पालकों से कहते हैं कि अगर उनको अपने बच्चे को बचाना है तो तत्काल वो कोई राशि का नाम लेते हैं, आपकी लिंक भेज रहा हूँ या नंबर भेज रहा हूँ, इस पर राशि डालें तो आपका बच्चे को छोड़ दिया जाएगा या आपका बच्चा टॉर्चर से मुक्त हो जाएगा। AI टेक्निक का भी सहारा लेकर डर दिखाकर ये गिरोह चूना लगा सकता है, जैसे कि आपके किसी अपने की आवाज को हूबहू कॉपी करके भी आपसे बात करा सकते हैं, जिससे ये यकीन हो जाए कि बच्चा फंस गया है। तो ऐसी गैंग के किसी भी झांसे में ना आए जो डर दिखाकर लिंक देकर रुपए ऐंठने की फिराक में रहती है। ऐसे पालकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। सरगुजा में पिछले 2-3 महीने से काल लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पालक उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे हुए हैं, तो ये बहुत साफ टारगेट है सरगुजा, जहाँ पे पालकों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं जो कि अन्य नंबर से आते हैं, तो पहले तो इनको उठाए मत और इनको जो है रिस्पॉन्स ना करें, ना ही इनके प्रलोभन में आए। ये पूरी तरीके से साइबर फ्रॉड होते हैं, जो आपके जो कीमती कमाई है उनको ले लिया जाता है और उसके बाद में अननोन अकाउंट्स में ये डाले जाते हैं, जो कि गंभीर जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। और इस तरह की अगर ठगी हो जाती है तो निकटतम जो है वो पुलिस थाने चौकी में जा करके FIR करवा करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाएं। यानी ऐसे कॉल से
डरना मना है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी खूबसूरती से खामियाजा उठाना पड़ सकता है? आखिर कहां हद से ज्यादा खूबसूरत होना एक स्विमर के लिए भारी पड़ गया? देखिए रिपोर्ट। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है। हर बार किसी न किसी एथलीट की सुंदरता के चर्चे रहते हैं। क्या किसी की हद से ज्यादा सुंदरता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? क्या किसी की सुंदरता दूसरे खिलाड़ियों का ध्यान भटका सकती है जिससे वो अपने खेल पर ध्यान ही न लगा सके? पेरिस ओलंपिक में एक ऐसी अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये है दक्षिण अमेरिकी देश पेराग्वे की स्विमर लुआना अलोंसो, जिनकी सुंदरता के चर्चे इंटरनेट पर जोरों शोरों से चल रहे हैं। लेकिन क्या उनकी यही सुंदरता उनके करियर पर भारी पड़ गई? लुआना अलोंसो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, जिससे वो समय समय पर अपने फोटो और वीडियोस भी अपलोड करती हैं। जानकारी के मुताबिक अलोंसो को ओलंपिक विलेज में कमरा खाली करने और ओलंपिक छोड़कर वापस अपने देश लौटने को कहा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक में भाग लेने पहुंचे पेराग्वे के खिलाड़ियों ने संबंधित अधिकारियों से लुआना की सुंदरता को लेकर शिकायत की थी। खिलाड़ियों का कहना है कि लुआना इतनी खूबसूरत हैं कि वो खेल पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। पेराग्वे के खिलाड़ी के साथ मौजूद अधिकारियों को लगा कि लुआना की सुंदरता खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकती है। अगर खेल पर ध्यान ही नहीं लगा तो मेडल जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होगी। इसके बाद लुआना को वापस घर भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़।